अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन हॉट डॉग। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसके लिए हमें चाहिए 1/2 किलो बोनलेस चिकन लेंगे, इसे बाइट साइज पीसेस में काट लेना है। चिली सॉस लेंगे 1 टीस्पून, 8 हरी मिर्च का पेस्ट लेना है, रेड फूड कलर 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून, तंदूरी मसाला, सेजवान सॉस लेंगे 2 टेबलस्पून, 1 टीस्पून विनेगर, नमक, रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर, एगलेस मेयोनीज लेंगे, 1 बड़ा कांदा लिया है इसे चॉप कर लिया है, 2 मीडियम कैप्सिकम लेंगे इसे चॉप कर लेंगे, 3 से 4 हमें चीज क्यूब्स लेने हैं। पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, इसमें विनेगर डाल लें, तंदूरी मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और रेड फूड कलर डालेंगे, नमक और रेड चिली पाउडर डालें, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। पैन में 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक डालेंगे, 1 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लें। चॉप्ड कांदा डालेंगे, इसे सॉफ्ट होने तक हमें पका लेना है। कैप्सिकम डालेंगे, 2 मिनट के लिए इसे पका लें। सेजवान सॉस डालेंगे, ग्रीन चिली पेस्ट और चिली सॉस, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम मैरिनेटेड चिकन डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। कवर करके हम इसे 8 मिनट के लिए पकने देंगे। 8 मिनट के बाद जब इसका पानी सूख जाएगा तब हम इस गैस बंद कर देंगे, इसे बिल्कुल अच्छी तरह से कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए रख देंगे। मेयोनीज में हम 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। हॉट डॉग बंस लिए हैं हमने, इस तरह से हम इसके अंदर एक लंबा कट लगाएंगे। अब हम इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। हमने लेटिस लीफ लिया है और इसे बीच में हमने इसके लॉन्ग स्ट्रिप्स काट लिए हैं, इस तरह से इसे बीच में रख लेंगे। मेयोनीज लगा लें, चिकन की स्टफिंग कर लेंगे। चिकन ठंडा होना बहुत ज़रूरी है तो आपको इसका ध्यान देना है। चीज़ को ग्रेट कर लेंगे इसके ऊपर से, आप चाहे तो इसको बेक भी कर सकते हैं माइक्रोवेव में 1-2 मिनट के लिए। ऐसे हमने डेकोरेट कर लिया है लेटिस लीफ और चिकन के पीसेस के साथ में। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर।